हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ आप सबके लिए शादियों में बनने वाली मिक्स बेस टाइप की गोभी मटर आलू की सब्ज़ी। ये बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम बनाने वाले हैं और वही स्वाद होगा इसका जो शादियों में होता है एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई में हम ज़्यादा सा सरसों का ऑयल लेंगे क्योंकि उसमें आलू और गोभियों को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलूओं को 4 या 5 जो भी है कट करके इस तरीके से लंबे शेप में इनको हमें फ्राई करना है। तो हमें इन्हें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। दैट मीन्स हम 90-92.5% इसको हम यहीं पे पका लेंगे अच्छे से। ये यहीं सॉफ्ट हो जाएगा और गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। जब तक ये आलू मेरे फ्राई हो रहे हैं दोस्तों दोनों साइड से, तब तक अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, रेड बटन पर क्लिक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। ये देखिए कितने बढ़िया एकदम गोल्डन क्रिस्प आलू हमारे भुनकर तैयार हैं। अब उसी बचे हुए तेल में हम अपने गोभी डाल देंगे। गोभी के थोड़े हमें बड़े बड़े पीस लेने हैं क्योंकि इनको फ्राई करना है, उसके बाद सब्जी बनानी है। तो इनको भी हम अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे, गोभी को भी। दैट मीन्स हम पका लेंगे बहुत अच्छे से इसमें, जब तक फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगी, पक जाएगी एकदम, थोड़ा सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा हल्का सा। तो जब तक हम इन्हें रोस्ट करना है इसी तरह डीप फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से जब हम गोभी आलू का बनाते हैं ना मटर डाल के, तो इसका बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। तो चलिए इस तरीके से एक बार आप ज़रूर बना के देखें। ये देखिए हमारी गोभी भी बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई है और फ्राई हो गई है, और मटर को हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। तो हम निकाल लेते हैं प्लेट पर, उसी सेम प्लेट पर जिस पर हमने आलू निकाले हुए थे। सारे गोभी और आलू हम निकाल लेते हैं। अब जो हमारा ऑयल बचा है उस ऑयल में ही हम अपनी सब्जी बनाएंगे, एक्स्ट्रा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डाल देते थोड़ी सी हींग और 1 चम्मच जीरा। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, हम हींग जीरा के साथ ही सब्जी को छौंकने वाले हैं। ये देखिए उसी सेम कढ़ाई में अब इसमें हम डालेंगे अदरक बड़ा सा, इसको लंबे शेप में काटा गया है, और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च मैंने छोटी छोटी काटी है और 2 स्लिट की हुई काटी है। देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, टेस्ट भी आता ही है चटपटा सा जब ये मुँह में आ जाती है। तो इस तरीके से अदरक को लंबे शेप में काटें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अदरक का, हरी मिर्च का। इसमें अब इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई। इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे अच्छे से कढ़ाई में। ऑयल इतना होना चाहिए कि हमारे मसाले ये प्याज और टमाटर के साथ बहुत अच्छे से ऑयल में हमारा भुन जाए, ऑयल इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस प्याज को रोस्ट कर लेंगे, काफ़ी अच्छी रोस्ट हो गई है आप देख पा रहे हो। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टमाटर की ग्रेट की हुई टमाटर की प्यूरी। आप चाहें तो छोटा छोटा कट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने टमाटर को ग्रेट किया है। अब इसको हम भूनेंगे अच्छे से। भूनने से पहले टमाटर के जाते ही आपको तो पता ही है मैं सबसे पहले इसमें डालती हूँ नमक। तो टमाटर डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, टमाटर जल्दी पक जाता है, इससे हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला हुआ है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें जितना भी आप खाते हों। तो यहाँ पर नमक डाल दिया है, अब इसको चलाएंगे 2 मिनट भूनेंगे। अब बाकी के रेस्ट मसाले भी हम डाल देते हैं ताकि टमाटर भुनने के साथ साथ हमारे मसाले भी रोस्ट हो जाएंगे। 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और ये जाएगा धनिया पाउडर। अब इन मसालों को हमें इसके साथ भूनना है, टमाटर के साथ बहुत अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि इसमें ऑयल सेपरेट ना होने लगे कढ़ाई से। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हम इसको भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। आप देख पाएंगे कि इसमें से टमाटर में से ऑयल सेपरेट होने लगेगा। ये देखिए टमाटर की प्यूरी बहुत अच्छे से भुन चुकी है, बहुत बढ़िया तरीके से, कितना अच्छा टेक्स्चर आ रहा है अभी से। अब इसमें डाल देंगे बॉयल की हुई मटर, या फिर आप फ्रोज़न मटर ले सकते हैं। बॉयल की हुई हम यहाँ इसलिए डाल रहे हैं कि अभी इस स्टेप पर हम मटर डाल रहे हैं, अगर हम कच्ची मटर डालेंगे तो उसे पकाने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। तो जल्दी बन जाती है सब्ज़ी अगर हमारे पास बॉयल की हुई पहले से मटर होती है। मटर को डाल के हम चला देंगे इसको इस तरीके से 2 मिनट, इसको भी पका लेंगे बहुत अच्छे से, मसालों की खुशबू आ जाए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती बारीक कटे हुए, और 1 चम्मच कसूरी मेथी जिसको मैंने क्रश करके डाला हुआ है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है किसी भी सब्जी में, जब उस सब्जी को हम शाही अंदाज में बनाते हैं बिल्कुल शादियों में बनने वाली सब्जी की तरह। ये वाली गोभी आलू की सब्जी एकदम रेस्टोरेंट में जिस तरीके से मिलती है और शादियों में मिलती है, सेम फ्लेवर और टेस्ट आने वाला है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी गोभी और आलू जो हमने फ्राई करे थे, और फटाफट से इस ग्रेवी के साथ इसको लटपट कर देंगे अच्छे से, सारे मसाले इस आलू और गोभी पर लटपट हो जाएँ बहुत अच्छे से। इस तरीके से मिलाएँगे इसको, फ्लेम कर देंगे लो टू मीडियम, और अच्छे से इसको चलाएंगे, टॉस करते हुए मिला देंगे गोभी आलू। ये देख रहे हैं ना आप कितना अच्छा इसका
बढ़िया सी मसालेदार चटपटी सी सूखी सी सब्जी बन गई है। अब इसको हमें 2 चम्मच पानी डालेंगे, हल्का सा डालना है, बहुत कम, और उसको फिर हम ढक कर पकाएंगे। ये पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसको सब्जी को थोड़ा बहुत भी इसमें कच्चा पान हो आलू में या गोभी में तो वो भी अच्छे से पक जाए, और जो मसाले हैं हमारे जो हमने डाले थे वो आलू गोभी में अच्छे से अंदर तक चले जाएं। तो इनको हम बस 5 मिनट पकाना है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से पकी हुई हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है सब्जी का और काफ़ी अच्छी तरीके से ये पक गई है, आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मैंने आपको काट के दिखाया। अब अच्छे से हमारी सब्जी एकदम रेडी है। अब इसमें फाइनल टेस्ट के लिए डालेंगे, ये जाएगा 1/2 चम्मच गरम मसाला, ज़रूर से डालें, बाद में डालें और इसको चला दें 2 मिनट। 2 मिनट चलाने के बाद फ्लेम कर दें बंद, सब्जी है हमारी रेडी सर्व करने के लिए, आ रहा ना आपके मुंह में पानी। बहुत ही इजी है, कोई भी बना सकता है, बिगनर्स के लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हमें बस गोल्ड जो हम आलू और गोभी को फ्राई करते हैं उसका बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। फटाफट से सब्जी को करती हूँ मैं प्लेट आउट। तब तक दोस्तों, आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो फटाफट से वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी और आगे आने वाली आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। ये लीजिए, आपके बनकर तैयार है गोभी मटर आलू की मसालेदार सूखी सब्जी। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। असली कॉम्बिनेशन इसका पूड़ी और पराठे के साथ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। सर्दियों में तो इसको सब लोग बनाकर इंजॉय